अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक चर्चा चल रहा है, बहुत जोरों शोरों से नेशनल न्यूज तक बन गया है। अररिया में एक गांव में एक प्रेम प्रसंग में छोटू कुमार की हत्या हो जाती है और इस पे बहुत सारे वीडियो बने, लगभग 30 से ज़्यादा वीडियो बन चुके हैं। अलग अलग न्यूज चैनल अलग अलग रिपोर्टिंग किए, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर टीवी चैनलों तक ये मामला गया। लेकिन सवाल इसमें यह है कि आरती कुमारी झूठ क्यों बोल रही है? जो आरती कुमारी है वो झूठ बोल रही है बार बार मीडिया में आकर, वो समझ में नहीं आ रहा है कि झूठ क्यों बोल रही है। स्टेटमेंट से लग रहा है कि बिल्कुल उन लोगों के बातों से लग रहा है कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है, और क्यों छुपाया जा रहा है समझ के बाहर का चीज है। आप भी सुनिए कि आरती कुमारी ने क्या झूठ बोला है। अच्छा, ये घटना कितने बजे की थी? कितने बजे रात को था? कितने बजे रात के? 2 बजे के लमसम में था ये, 2 बज के कुछ ऐसे मतलब में। हाँ। भाभी 2 बजे फोन की? नहीं, उसको नहीं, शाम में भी की थी। अच्छा। शाम में की थी। क्या बोली थी शाम में? क्या बोले थे कि आइए शादी करवाएंगे, ऐसे बात तो हमको नहीं बोली थी कि, लेकिन हमको उसको मतलब पूछे ना, जब वहाँ पे गए थे उससे, हम जो निकले वहाँ से आए तो बोले कि आप यहाँ क्यों, तो बोले कि शादी, भाभी बोले कि शादी। कितने बजे पहुँचे आपके घर? वहाँ पे पहुँचे थे 2 बजे, हम समय नहीं देखे थे तभी। मतलब रात, मतलब देर रात पहुँचे थे? नहीं, ऐसा कौन है कि जो प्रेम करता है, बात करते हम कॉल लगा हुआ था, जैसे आए हम सोचे कि जाते हैं बाड़ी में, यहाँ पे दादी सब जगी हुए, जब बात करते हुए जाएंगे तो जग जाएगी। कॉल लगाए, तुरंत आए हम, आए तो उसको देखे तो कॉल लगले था तब तक में, तब फिर हम जो लगले था कॉल, उसको जो बोले कि नहीं किए हम टॉयलेट, नहीं किए तो उसको देखे जैसे खड़ा, हम बोले कि आप यहाँ, तो बोले कि भाभी कॉल किया। हम बोले दिमाग खराब है आपका, दिमाग खराब हमको बोले आप, हम रात में कॉल भी किए 3 बार तो रिसीव नहीं किया था तभी, लेकिन किया था तो हम बोले कि दिमाग खराब आप हमको बोले, तो बोले कि नहीं बोले हैं तो क्या होगा, करवा ही देंगे। हम बोले चलिए ठीक है, आप यहाँ से चले जाइए, जो हुआ हुआ चले जाइए आप यहाँ से। बोले कि अरे बुलाए हैं तो बुलाएंगे ना। बोले कि आप नहीं जानते, हम जाते हैं, आपको रहना है यहाँ रहिए, हम जाते हैं, इतना तो बोले तब तक हम उधर से आ गए। बात यह है कि शादी की बात करने के लिए किसी को रात के 2 बजे क्यों बुलाया गया? यानी शादी की बात 2 बजे रात को किया जाता है कभी? अगर मानते हैं कि आप दोनों का एक प्रेम प्रसंग चल रहा था, हम मानते हैं कि दोनों आप एक दूसरे को जानते थे, शादी करना चाहते थे, तो इसके लिए अपने अपने परिवार वाले को समझाते हैं और फिर वो मिलते हैं और आपस में मिलकर निर्णय लेते हैं। फिर रात को 2 बजे बुलाने वाली बात क्यों हुई? क्या कभी किसी भी शादी की बात, किसी के विवाह की बात रात को 2 बजे होती है? इसमें कुछ जरूर लग रहा है जिसे छुपाया जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा झूठ ये लग रहा है कि जो आरती कुमारी है उनके स्टेटमेंट से लग रहा है कि वो बोल रही हैं जैसे कि हमने उनको कॉल किया, यानी छोटू कुमार को कॉल की, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं किया। और दूसरे स्टेटमेंट में वो बोल रही है कि नहीं, हमारे भाभी कॉल की और भाभी का फोन वो रिसीव कर लिया और भाभी के बुलाने पे 2 बजे रात को आया। आरती, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि आपकी दादी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि फोन आपने किया था, आपकी भाभी ने नहीं, और आपकी भाभी के पास फोन नहीं था, इसमें क्या? वो गलत बात है, मेरी फोन लेके कॉल करती थी, मैके सब करती थी, इससे पहले भी करती थी, मेरी मोबाइल लेके की है कॉल, कैसे हो सकता है कि नहीं की है? गलत गलत आरोप लगा रही है। आपके फोन से आपकी भाभी ने फोन किया जी और बुलाया था जी, आपने फोन दे दिया था जबकि आप, अब कोई 2 बजे रात को बुलाए और आप शादी की बात करने चले जाएं तो ये तो बेवकूफी है। अब किस हालत में छोटू कुमार गए 2 बजे रात को उसके घर, ये सोचने वाली बात है। इस विषय पे जब जांच होगी तभी मालूम चलेगा, क्योंकि हम एक पक्ष को सुनकर ये इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कि दोषी कौन है। हालांकि छोटू कुमार की हत्या हुई जिस परिस्थिति में हो, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर कुछ भी गलत हुआ होगा या हुआ होता तो उन्हें पुलिस को सौंप देना चाहिए था, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए थी। दोनों एक दूसरे को जानते थे काफी समय से, जीविका में साथ में काम करते थे, इसके बावजूद भी दोनों का एक भी साथ का तस्वीर नहीं है, एक भी फोटो नहीं है।
अच्छा, जो स्टेटमेंट आ रहे हैं मीडिया में उसमें काफी अंतर है, जो परिवार वाले की बात है, आरती कुमारी की बात है, उनके पिताजी की बात है, काफी डिफरेंस है सब में। इसको देखना होगा कि क्या हो रहा है। अच्छा, छोटू के पिताजी एक और इसमें झोल है, झोल लग रहा है। एक बात और संदेह पैदा कर रहा है कि आरती कुमारी बोली कि 2 बजे रात को उसको वो वहां पे पहुंचा, 2 बजे रात को छोटू कुमार आरती कुमारी के घर पहुंचा और जैसे ही उसको लगा कि नहीं इसके साथ मारपीट होने वाला है या दूसरे कमरे में बंद किया गया, उसी समय वो उसके मामा के पास गई, क्योंकि उसका मामा का घर छोटू कुमार के मामा का घर पास में ही था, 50 मीटर की दूरी पे, आप समझ सकते हैं। वहां पे गई और वहां पे उनको सूचना देने के बाद तुरंत उसके पिताजी को सूचना दी। अगर उसके मामा चाहते हैं तो आते, शोर मचाते और अपने भांजे को बचा लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, उन पे भी संदेह जाता है। नहीं, मतलब कि एक ही समय में बंद नहीं किया था, मतलब जिस उसको रूम में बंद किए, रूम में बंद किए तो कुछ टाइम मतलब उसको लेके गए, बाबा भैया गए इधर, सब तो जानवे करते कि लेडीज सबका तो माल कैसे हो जाता है, तो हम सोचे क्या कोई उपाय नहीं है मेरे साथ, तो जाते हैं लेडीज सब कैसे जाएगी बचाने, तो गए तुरंत मामा के पास, बारी होकर हम दरबार मार के गए तो मामा बोले कि ठीक आते हैं। अब पता नहीं आए कि नहीं आए, नहीं आए मामा, मामा छोटू के मामा जी, वो नहीं आए। अच्छा, तो मामा के पास आप खुद से गए थे? जी खुद से गए थे। आपके घर से कितना दूर है उनका घर? आप लोग गए हैं वहाँ? बिल्कुल पास में, 100 मीटर के डिस्टेंस, 100 मीटर के डिस्टेंस। आपके मामा भी बता रहे थे कि हम लोग गए थे। हाँ, एक घर के बाद है, उन्होंने बोला था कि पुलिस, आपके मामा जी बता रहे थे कि हम गए थे। क्या पता, लेकिन नहीं गए थे मामा। मामा मेरे घर पे जाते तो क्या धक्का मार के नहीं निकाल सकते थे? गए थे तो धक्का मार के नहीं निकाल सकते। दूसरी बात की जब उनके पिताजी आए तो पिताजी का स्टेटमेंट था कि हम पानी मांग रहा था छोटू, हम नहीं पिला पाए। उनके भाई का स्टेटमेंट आता है छोटू कुमार का कि हमने गेट तोड़ा, जो दरवाजा था घर का उसका इन्होंने तोड़ा, लेकिन उसमें टूटने का कहीं निशान नहीं मालूम होता है। ये सब बातें हैं जो संदेह पैदा करता है। और सबसे अंत में बात यही है कि 2 बजे रात को कौन जाता है शादी की बात करने? अगर छोटू जिंदा रहते हैं तो जरूर उनसे सवाल होता, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि हम किसी के मौत का समर्थन नहीं करते हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। और आखिर उनकी हत्या क्यों हुई, किस परिस्थिति में हुई, इसकी जाँच होनी चाहिए। और ये आरती कुमारी झूठ बोल रही है, इसका कारण क्या है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच के दायरे में उन्हें भी आना चाहिए और पुलिस इसको अच्छा से जांच करे और तब ही उचित निर्णय पे जाए। मीडिया वाले मीडिया ट्रायल करते हैं, वो जांच स्वयं से करने लगते हैं, कहीं ना कहीं गलत है। कुछ प्रशासन पे भी छोड़ देना चाहिए, जिससे कि वो लोग जाँच सही तरीका से कर पाए। एक बात और थी कि भीड़ आ गई थी मारने के लिए, छोटू कुमार को भीड़ आ गई थी मारने के लिए। और एक अलग है कि भाई कमरे में बंद करके मारा गया, दोनों में भी अंतर है। गांव वाले तो आया था मारने, कैसा हो सकता है गांव वाले लिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता है सवाल। मारने के लिए गांव वाले भी आए थे, गांव वाले भी आए थे, अगल बगल का आए थे, आरती कुमारी के घर पे उनके जीजा आए थे, उनके भाई के साले आए थे, बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। किस सिचुएशन में लोग इकट्ठा हुए, किन परिस्थितियों में लोग इकट्ठा हुए उस रात को, इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जिसकी हत्या हुई है उसको न्याय जरूर मिलना चाहिए और जांच होनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में उसकी हत्या हुई। ये सब जांच का विषय वस्तु है। और खास करके इसमें अलग अलग स्टेटमेंट जो आ रहे हैं इस विषय में, वो सब कंट्राडिक्शन पैदा कर रहे हैं, संदेह पैदा कर रहे हैं, जो कि जांच के दायरे को और कमजोर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रहे हैं। चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ आपको मैं छोड़े जा रहा हूं, आप भी सोचिए इस विषय को और समझिए। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।